बहुत सारे न्यूज़ में प्रॉब्लम्स देखे हैं कि कोई बच्चा है वो बोरवेल में गिर गया है, तो हम लोग को मोस्टली उनकी सिचुएशन नहीं पता चलती कि वो अंदर कैसे है, किस सिचुएशन में, उनकी हालत क्या है। तो हम लोगों ने एक पाइप क्लाइंबर रोबोट डेवलप किया है जिसकी मदद से वो अंदर बोरवेल में जाता है, हमको पूरा रियल टाइम सर्वेलेंस दिखाता है कि बच्चे की कंडीशन कैसी है और हम लोग उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं और कितने डिस्टेंस पे है। हम लोगों ने इसमें आईपी कैम यूज़ किया है और कंट्रोलर यूज़ किया है जिसके थ्रू हमको रियल टाइम डेटा मिलता है। 25 फीट डीप हमको इसको भेजना हो तो भी हम भेज सकते हैं और ये रिमोटली कंट्रोलेबल है, तो हम लोगों को इसको कहीं भी भेजना है, कोई भी टर्न्स लेना है तो उसमें हम लोग ये यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स आर ऑलवेज फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। स्टूडेंट्स केम विथ आइडिया कि सर एक में पाइप क्लाइंबिंग रोबोट बनाते हैं। सो पाइप क्लाइंबर जो रोबोट है उसका बेसिक फीचर है कि वो बोरवेल के अंदर जाएगा और बोरवेल के अंदर जाके वो हमें लाइव आईपी से कैमरा से वाईफाई कैमरा से हमको डेटा देगा कि अंदर जो है वो उसकी सिचुएशन क्या है।